वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाने जा रहा हूँ। ये वर्कशीट जो 9 है साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और 7th क्लास के लिए वर्कशीट रहेगी, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा हिंदी मीडियम की वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ये 23 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि जो पौधे हैं ना वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे बनाते हैं, आज हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है फटाफट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रचना है, वास ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। वो कहाँ गई है? पिकनिक में गई है अपने पेरेंट्स के साथ। ड्यूरिंग टेकिंग फूड, जब वो खाना खा रही थी तो शी आस्क्ड ए क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा, तो उसने क्वेश्चन पूछा टू हर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से पूछा। क्या पूछा? उसने पूछा, राहुल भाई का नाम है उसके, जो बड़ा भाई है, उसने बोला हाउ प्लांट टेक देयर फूड, कि भैया ये पौधे जो होते हैं ये भोजन कैसे लेते हैं। तो उसका जो भाई है ना राहुल, वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि पौधे जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, आओ हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। पौधे ही इस दुनिया में ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। और वो किस किस का यूज़ करते हैं भोजन को बनाने के लिए? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। ये सारे के सारे जो है रॉ मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि इसी से वो अपना भोजन बनाएंगे। जैसे अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं, रोटी बनाना चाहते हैं, तो रोटी के लिए आपको क्या चाहिए होगा? गेहूँ चाहिए होगा ना, उसका आटा बनाओगे। तो जिस चीज़ के निर्माण के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्ची सामग्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? और हमें क्या बताया गया, आगे पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, जो सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। अब आप ये मत सोचने लगना कि मम्मी अपना खाना खुद बनाती है, हमें खाना खुद बना के देती है तो मम्मी ऑटोट्रॉप्स हो गई। नहीं, वो रॉ मटेरियल तो दूसरा यूज़ करती है ना, ठीक है, मतलब पौधों से तो प्राप्त करके खाना बना रही हैं। तो ऑटोट्रॉप में समझ में आ गया, ये जो प्लांट्स हैं ना ये अपना खाना खुद बना रहे हैं उन्हें कहा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ हेटरोट्रॉप्स में। तो हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड, जो रेडीमेड फूड लेते हैं ना और प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो पौधों के द्वारा तैयार किए हुए सामान को यूज़ करके, ठीक है, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि कौन हो गए? जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमसे कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर मैंने अलग से पेज पर कर रखे हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर फूड, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो पौधों के द्वारा खाने को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं आप ये देख लीजिए, हमने पढ़ा था अभी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। लास्ट में पेज लगा रखे वो भी देख लेना, पहले आप ये देख लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद ढूंढोगे तो इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। वाट इज न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस किसे कहा जाता है? ये मिल गया ईजिली, ठीक है, ये लिखा हमारे सामने आंसर है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। तो ये भी हमें आंसर इसी में दे रखा था। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? दो एग्जांपल देने ऑटोट्रॉप्स के। तो ऑटोट्रॉप्स का एक एग्जांपल तो हमें दे रखा है, प्लांट्स, है ना, और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी आप स्मेलिंग जो है वो पीछे वाले पेज पर देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और ह्यूमन हो गया, ठीक है। आप एनिमल्स के दो के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत था। अब एक बार आप
जो मैंने वर्कशीट कर रखी है, मतलब आंसर, आप उसको भी अब देख लो। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये मैंने आंसर आपके लिए कर रखे हैं, ठीक है। ये आपका जो है पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन जो था, ठीक है, प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दो दो एग्जांपल पूछे थे। फिर तीसरा पूछा था दो एग्जांपल हेटरोट्रॉफ्स के बताने हैं, तो ऑल एनिमल्स, ऑल बर्ड्स, ठीक है, ऑल ह्यूमंस लिख सकते हो, या खाली एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस, ठीक है। ये मैंने कैपिटल में लिखा है, आप स्मॉल में लिखना, ठीक है। बाकी अगर लिख भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, छोटा कर दिया मैंने। और आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।